वेलकम टू लूज ग्रेवल दोस्तों, आज मैं अपनी ऑल्टो का थोड़ा सा कुछ काम करने वाला हूं और इसके लिए यहां पे मैं आया हूं। आइए ये छोटा सा व्लॉग शुरू करते हैं। इसमें मैं गाड़ी का स्टेयरिंग रैक, एक्सल और छोटी मोटी कुछ और चीज़ें, गियर बॉक्स में कुछ लीकेज वगैरह है तो वो सब मैं ठीक करने वाला हूँ, तो वो ठीक करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बैटरी का ये निकाल लिया, निकाल करके अभी यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो गया है और अभी एयर बॉक्स निकालेंगे, इसका एयर फिल्टर का बॉक्स, सो दैट हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए। नहीं मिल रहा, बॉक्स ढूंढ के दे दे बाहर। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये नट यहाँ से खोल दिया है, ये दो, ये है इसका गियर बॉक्स, यहाँ से हम लोग ये पूरा का पूरा गियर बॉक्स निकालेंगे। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो में, मैंने ये O2 सेंसर चेंज किया था। तो दोस्तों, ये आइडेंटिफाई हो गया, दिस इज़ दी गियर बॉक्स। और यहाँ पे जो ऑयल का लीकेज है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये नट से लीकेज है, यहाँ पे ये ऑयल सील जो है ये एक्चुअली बराबर है, ये ऑयल सील से लीकेज नहीं है क्योंकि अंदर सूखा हुआ है। तो हम लोग ये चेंज करेंगे, ये वाला ऑयल सील चेंज करेंगे क्योंकि खोला है। ये क्लच का रिलीज बेयरिंग, इसको भी चेंज करेंगे और नया क्लच भी इसमें डाल देंगे। और इसके साथ हम लोग ये इसका जो एक्सेल है, लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये दोनों हम लोग चेंज करेंगे। ये हम लोगों ने परचेस कर लिया है, ये पुराना वाला एक्सेल है और ये नया एक्सेल है। साथ में हम लोगों ने इसका, सिंस वी आर चेंजिंग, हम लोगों ने इसका स्टेयरिंग का रॉड भी चेंज कर दिया है फाइनली। तो दोस्तों, ये इसका फ्लाई व्हील जो क्लच के साथ लगता है, इसको हम लोग अभी क्लीन कर लेंगे थोड़ा और पेट्रोल से क्लीन करके वापस लगा देंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग रॉड लग गया है, सिंस वी आर चेंजिंग दी क्लच प्लेट सो वी आर आल्सो चेंजिंग दी क्लच का केबल। और ये आर्म जो है लेफ्ट और राइट को ऑलरेडी लगा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा सामने से जाता है ये वाला रॉड, बैलेंस रॉड, ये भी हमने लास्ट टाइम चेंज किया था। तो दोस्तों, ब्रेक का पैड बराबर है, यहाँ पे हमने स्टेयरिंग का एक्सेल बिठा दिया, स्टेयरिंग का रॉड बिठा दिया, यहाँ पे एक्सेल हम लोगों ने दोनों फिट कर दिया फाइनली। उधर आप क्लच का केबल भी नया देख सकते हैं, गियर बॉक्स जो है पूरा क्लीन करके हम लोगों ने परफेक्टली बिठा दिया है, क्लच पूरा सेटिंग चेंज कर दिया, पूरा क्लच का जो हाउसिंग है पूरा प्लेट वगैरह चेंज कर दिया। और यहाँ पे ये हेड का गैस्केट नया डाल के इसको फिक्स कर देंगे अभी। और यहाँ पे आप देखिए, ये स्टेयरिंग का नया वाला स्टेयरिंग का रॉड है और यहाँ पे ये एक्सेल आप देख सकते हैं बिठाया हुआ है प्रॉपरली। यहाँ पे एक होंडा सिटी का गियर बॉक्स खुला हुआ है अभी, ये इसका क्लच काफ़ी गया हुआ लगता है
और बाकी का काम चल रहा है। बताओ बताओ। अरे जाने दो। अरे बताओ क्यों घिस रहे हो? स्लिप मार रहा है इसके लिए। अच्छा तो ये फ्लाई व्हील को घिसने से क्या होगा? वो पकड़ के चलेगा। वो पकड़ के चलेगा तो मतलब क्लच प्लेट जब इसके अंदर बैठेगा तो एकदम से पकड़ के चलेगा। हाँ। तो इसको स्लिप नहीं मारना चाहिए। इसके लिए आप घिस के इसको पेट्रोल से साफ करके फिर लगाएंगे, राइट? हाँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, चलिए बढ़िया है। ग्रीस कहाँ पे लगाने का है? ग्रीस तो ये बैठ रहा है हमारा टैपेट कवर। बैठ गया। हल्का हल्का इसको कुछ टॉर्क नहीं पता ना कितना रहता है? नहीं नहीं हल्का, लेकिन एकदम हल्का। वाह